बात किया गया है और किस तरीके से भव्यता और दिव्यता के साथ यहाँ पर देखिए हाथों में मोमबत्ती लेकर के ये जो वॉलंटियर्स हैं भैया कितने बजे चलाएंगे के साथ रोक रहा हूँ अनुपम अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम दरबार में पहुंच चुके हैं। प्रभु श्री राम का इस वक्त वो दर्शन कर रहे हैं। गर्भगृह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपने आराध्य प्रभु श्री राम के सामने नतमस्तक सीएम योगी आदित्यनाथ विधिवत पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए हैं। राम मंदिर में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ को आप राम की आराधना करते हुए देख सकते हैं। राम कथा पार्क में लोगों को संबोधित करने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त दिव्य और भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में आप देखिए जहां पर विधिवत वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। सामने प्रभु श्री राम की अलौकिक प्रतिमा देख सकते हैं, उनकी मूर्ति मनोहारी। जिस किसी ने भी रामलला के दर्शन किए हैं अपने मन को हार बैठा है। ऐसी अलौकिक छटा, ऐसी अलौकिक दिव्यता और भव्यता शायद ही राम मंदिर निर्माण से पहले किसी ने कहीं पर देखी हो। और अब जबकि रामलला गर्भगृह में विराजमान है और उसके बाद ये पहला दीपोत्सव है, तो ये दीपोत्सव बहुत खास हो जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ जो रामनगरी में मौजूद हैं वो प्रभु राम के दरबार में उनकी आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में केंद्रीय मंत्री भी आपको दिखाई दे रहे हैं। विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद वो मां सरयू की महाआरती में शामिल होंगे। उससे पहले रामलला के दर्शन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जैसा कि अनुपम बता रहे थे कि तय कार्यक्रम के मुताबिक कल भोर में भी रामलला के दर्शन पूजन करने हैं सीएम को। साथ ही साथ हनुमानगढ़ी में भी जाएंगे, वहां पर भी दर्शन पूजन करेंगे। लेकिन उससे पहले आज रामलला के दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम, मंत्रिमंडल के बाकी मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सभी आप देखिए विधिवत प्रभु श्री राम की आरती उतारते हुए उनकी पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद वो सीधा राम की पैड़ी पहुंचेंगे। मां सरयू के तट पर महाआरती का आयोजन किया गया है। 1100 बटुक वेदाचार्य एक साथ मां सरयू की आरती उतारेंगे। ये भी पहली बार घटित होगा और सीएम योगी आदित्यनाथ उसके साक्षी बनेंगे। साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी और उसके बाद वहां पर लेजर शो का आयोजन होगा, साउंड शो का आयोजन होगा। साथ ही साथ ड्रोन शो के जरिए भी राम कथा की लीलाओं का वर्णन किया जाएगा, उसका भी प्रदर्शन किया जाएगा। मां सरयू के आसमान में आज आपको अद्भुत छटा देखने को मिलेगी। साथ ही साथ 25 लाख दिए सरयू तट पर राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं जब राम मंदिर में प्रभु श्री राम की आराधना में लीन हैं।